हमारे YouTube चैनल सरदार पटेल कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 का 3 चैप्टर अवयव के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से अवयव को समझा सकूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवयव से हम लोग को फ़ायदा क्या है। जब तक आप लोग इसका फ़ायदा नहीं जानिएगा, इससे लाभ नहीं जानिएगा, तब तक आप लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम राम है। यदि वह एक एग्ज़ाम दिया और वह राम गणित विषय में 50 नंबर ले आया। टोटल मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम था। एक लड़का राम है जो गणित विषय में 50 नंबर लाया, टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम था। माना जाए वह अंग्रेजी विषय का एग्ज़ाम दिया और अंग्रेजी विषय में वह 80 नंबर ले आया, ये भी टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम था। और मान लीजिए कि एक हिंदी विषय का एग्ज़ाम दिया और हिंदी विषय में 40 नंबर ले आया, और समझिए कि ये भी 100 नंबर का एग्ज़ाम था। इसका एक और दोस्त है श्याम। राम का एक और दोस्त श्याम है, वो भी यही परीक्षा दिया है, जो कि वह गणित में मान लीजिए 70 नंबर लाया है, और इसका भी 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। अंग्रेजी में मान लिया जाए कि वह 60 नंबर लाया है, अंग्रेजी में 60 नंबर लाया है, इसमें भी 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। और हिंदी विषय में श्याम मान लीजिए 75 नंबर 75 नंबर लाया है, ये भी 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। चलिए तो हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे ऊपर के जो राम हैं और नीचे श्याम हैं दोनों को आसानी से समझ सकते हैं और एक छोटा तरीका में लिख सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 50, उसके बाद लिखेंगे 80, उसके बाद लिखेंगे 40, और इसके नीचे लिखेंगे 70, फिर लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 75। अब देखिए आप लोग ध्यान से, जो इधर 50 है, 50 जो है यह बता रहा है कि राम द्वारा लाया गया गणित में नंबर 50 है। हम कह देंगे कि जो यह लाइन है ऊपर से नीचे, यह मैथ के बारे में बता रहा है, गणित के बारे में बता रहा है। और जो ये लाइन है 80 और 60, ए वाला लाइन इंग्लिश के बारे में बता रहा है। और एक और लाइन जो 40 75 है, यह हिंदी के बारे में बता रहा है। अब इधर से देखिए, ए वाला लाइन जो है, ए वाला इस तरह का लाइन, ए बता रहा है राम द्वारा लाया गया नंबर, और नीचे वाला जो लाइन है यह बता रहा है श्याम द्वारा लाया गया नंबर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम बहुत से छोटे रूप में ही हम टोटल इसके बारे में समझ गए कि राम इतना नंबर लाया है, श्याम इतना नंबर लाया है, जो कि बहुत आसान तरीका हो गया। तो देखिए, इसमें आप लोग को दो तरह की रेखाएं बनती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है शुरू हो रहा है। जैसा कि देखा जाए, मान लीजिए कोई एक बड़ी ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी अंक हो सकते हैं। तो देखिए, ध्यान देना है, इसमें दो तरह का लाइन बनता है। एक बनता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज लाइन, एक बनता है क्षैतिज, और अगला जो प्रकार है वो बनता है ऊर्ध्वाधर लाइन, या इसको कह सकते हैं उदग्र लाइन। देख लीजिए, सबसे पहले हम बात किए एक क्षैतिज की और एक ऊर्ध्वाधर की। यहाँ पर क्षैतिज टोटल 2 रेखाएं हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं 3 हैं। ध्यान देना है, जो क्षैतिज रेखा है उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको रो कह सकते हैं, रो मतलब होता है पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है या उदग्र रेखा है, उदग्र रेखा को हम लोग कतार या स्तंभ कहते हैं, इसको कॉलम कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अवयव में
दो प्रकार की लाइन बनती है, एक होती है क्षैतिज लाइन और एक होती है ऊर्ध्वाधर लाइन। क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर लाइन को कतार कहा जाता है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या टोटल दो है और कतारों की संख्या टोटल तीन है। तो चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कितने पंक्ति हैं और कितने कतार हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 3, 4, 5 और 4। तो बताइए आप लोग इसमें पंक्ति कितने हैं। तो ध्यान देना है, क्षैतिज रेखा एक बन रही है और एक नीचे बन रही है, तो टोटल इसमें पंक्ति दो हो गया। तो इसको हम लोग कह देंगे पहला पंक्ति। पहला पंक्ति अर्थात पंक्ति को R से सूचित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग R1 कहेंगे। और नीचे वाला दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति को हम लोग R2 से सूचित करेंगे। चलिए बहुत आसान है, इसको आप पंक्ति कहिए, आर रो कहिए या R से सूचित कीजिए, सब सेम है। अब देखना है इधर वाला, इधर जो 3, 5 है, जो 3, 5 वाला लाइन है एक कतार है। कतार को इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है, तो कॉलम का पहला अक्षर सी है, इसलिए इसको पहला कतार अर्थात C1 कहेंगे। और ये जो दूसरा कतार है इसको हम लोग C2 कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह एक प्रकार का किसी भी संख्या को छोटा रूप में दिखाने के लिए आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। आव्यूह में दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को कतार या स्तंभ कहते हैं। पंक्ति को रो कहा जाता है, इसलिए R से सूचित करते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा कतार है, स्तंभ कॉलम कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम लोग इस प्रकार से राम और श्याम द्वारा लाए गए नंबर को लिख सकते हैं, या देखिए आगे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग अपना कुछ लंबा जैसा आव्यूह बना लें, लंबा जैसा आव्यूह बना लें और एक तरफ लिख दें, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था 50, 70। हम 50 और 70 को इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लिखा हुआ था 80 और 60, 40 और 75। हम 80 और 60 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और 40, 75 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर में हो गया यह हो गया गणित विषय। यहाँ पर 80, 60 वाला जो था, 80, 60 वाला इंग्लिश हो गया और नीचे वाला आपका हिंदी हो गया। यहाँ पर ऊपर में राम द्वारा लाया गया नंबर हो गया और नीचे में श्याम द्वारा लाया गया नंबर हो गया। आप लोग समझ सकते हैं आव्यूह को हम लोग दो तरीका से भी लिख सकते हैं। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं आव्यूह को क्या से सूचित किया जाता है। आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। आव्यूह को बड़ी कोष्ठक, पढ़े होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर हम बड़ी कोष्ठक का ही प्रयोग किए हैं, इसलिए आव्यूह को बड़ी कोष्ठक से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आव्यूह में दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इधर देखा कि क्षैतिज रेखा क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या है। मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, जिसमें कुछ संख्याएं हैं 3, 4, 2, 1, 6, 5, 2, 3, 7। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो आव्यूह बन रहा है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और पंक्ति नंबर 3, कुल पंक्ति बराबर 3। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई आव्यूह बना हुआ रहेगा और आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर पंक्ति हो गई कुल 3। अगर पूछ दिया जाए कुल कितने
कतार हैं। तो कतार को ध्यान दिया जाए, ये आपका हो गया कतार नंबर पहला C1, ये हो गया कतार नंबर दूसरा C2, और ये हो गया कतार नंबर तीसरा C3। तो यहाँ पर टोटल 3 कतार हैं। अब आप लोग देखिए आगे, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इस अवयव में टोटल कितने अवयव हैं। अवयव का मतलब एलिमेंट। इस अवयव में टोटल कितने अवयव हैं, कुल अवयव बताइए क्या हैं। तो गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस अवयव में कुल 9 अवयव हैं। इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। अवयव को एलिमेंट कहा जाता है, इसलिए अवयव को ए से सूचित करते हैं। अवयव को ए से सूचित करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें अवयव के कुछ और तरीका। ध्यान दिया जाए, जैसा कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इसमें कतार, पंक्ति और अवयव के बारे में सीखा। अब देखिए, सबसे पहले एक होता है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, या कह सकते हैं इसको मैट्रिक्स का एक प्रकार के ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना है, मैट्रिक्स की कोटि। कोटि क्या होती है, कोटि का अर्थ हो गया कि उसमें कितने पंक्ति और कतार हैं। कोटि यही बताता है कि इसमें कितने पंक्ति और कतार हैं। जैसा कि ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ पर टोटल 3 पंक्तियाँ हैं, R1, R2 और R3। यहाँ पर 2 कॉलम हैं, C1 और C2। यहाँ पर पंक्ति बराबर 3 और कतार बराबर 2 है। तो कोटि लिखना रहेगा तो हम लोग कोटि में सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं और उसके बाद कतार लिखते हैं। सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं और उसके बाद कतार लिखते हैं। तो बताइए पंक्ति टोटल कितना है। पंक्ति इसमें 3 है इसलिए 3 लिखाएगा, और कतार कितना है, 2 है, इसलिए इस अवयव की कोटि 3 2 हो जाएगी। अवयव की कोटि 3 2, और जब दोनों साथ में है इसलिए इसको हम 3×2 से सूचित करते हैं। यहाँ पर आप लोग 3×2 नहीं समझिएगा, इसको हम लोग 3×2 से सूचित करते हैं। इसी प्रकार आप लोग इसमें भी बता सकते हैं कि इस अवयव की कोटि क्या होगी, 3×3। बहुत बढ़िया, इस अवयव की कोटि 3×3 होगी। चलिए आप लोग ऊपर में भी बता सकते हैं इस अवयव की कोटि क्या होगी, इसमें भी इस अवयव की कोटि 3×2 होगी। 3×2 कोटि बराबर 3×2। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, और आगे देखने के लिए मेरा वीडियो फिर आएगा, उसको आप लोग फिर से वैसे ही देखिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।